बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। नंबर 1, योर सेंस ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। योर ब्रेन देन ऑर्डर्स योर बॉडी सिस्टम टू रिस्पॉन्ड। क्रिएट अ स्टोरी टू डिस्क्राइब एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ इन विच सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन एंड मेनी बॉडी सिस्टम्स वर्क्ड एज अ टीम। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना बेटा, आप जो भी लिखेंगे वो ठीक होगा। ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि आपका रिटन एक्सप्रेशन बेहतर हो और आप सोच के खुद लिख सकें। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगी वरना आप पता चलेगा कि वो वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लें। जैसे लेट सपोज के आप बाहर से अंदर आए हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आपके स्किन के ऊपर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने ब्रेन को मैसेज किया कि गर्मी ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होनी शुरू हो गई। बॉडी तो थोड़ी कूल हुई लेकिन अब आपको प्यास लग गई। अब जब आप घर में पहुँचे तो आपको सामने पानी रखा हुआ नज़र आया, ठीक है जी। आपके आईज़ ने ब्रेन को मैसेज किया कि वाटर इज़ अवेलेबल। आपका ब्रेन आपके हाथ को ऑर्डर करेगा और वो हाथ जो है वो उस पानी के ग्लास को या जग में से पानी डालेगा या कूलर में से या फ्रिज की पानी की बॉटल से, ठीक है जी। जो भी आप लिखना चाहें, जो आप करते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है जी। और फिर आप ग्लास में पानी लेके पिएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपको भूख लगी है तो आपके ब्रेन को मैसेज आएगा आपके बॉडी पार्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, कि भूख लगी है। तो जैसे ही आइज़ पहले आपको खुशबू आ गई, मामा कुछ मज़े का बना रही है, और फिर उसके बाद आप किचन में गए तो आपने देखा कि आपकी पसंद की चीज़, जो भी आपको पसंद है, अंडा पराठा पसंद है नाश्ता के टाइम पे, दिन को अगर चावल पसंद है, कोई सब्जी पसंद है, जो भी आपको उसके लिहाज से, ये स्टोरी है आपके बारे में, ठीक है जी। तो फिर आप योर ब्रेन गिव्स मैसेज टू योर टंग और आप अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। फिर आपको अम्मी जब खाना देती हैं या अगर आप खुद ले लेते हैं और अच्छी बात है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन रेयर कंडीशंस ह्यूमंस डू नॉट फील एनी पेन, इज इट डेंजरस फॉर दैट पर्सन, एक्सप्लेन। ये भी आप खुद सोच के लिखें, इसका जो भी आप जवाब लिखें वो ठीक ही होगा कि एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है हम सबको कहीं चोट लगे तो हमें तकलीफ होती है। पेन रिसेप्टर्स बड़े ज़रूरी हैं, ये हमें एक्चुअली नुकसान से बचाते हैं। वरना सोचें ना कि ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनको ये प्रॉब्लम होती है विच डू नॉट फील एनी पेन, तो वो अगर कीलों पर से, टूटे हुए शीशों पर से गुजर जाए उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके पेन रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते, तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते चले जाते हैं। या अगर वो कहीं से गिर जाए, उनकी हड्डी टूट जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो उसी तरह मूव करते रहते हैं और ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। सो पेन रिसेप्टर्स या पेन जो है एक्चुअली हमारी बॉडी को बचाता है डैमेज से, नुकसान से, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेबल द पार्ट्स ऑफ द आई शोन इन द डायग्राम। ये क्या है, आई के पीछे जो नर्व है ऑप्टिक नर्व, और ये कौन सी लेयर है, रेटिना। ये क्या चीज़ है बीच में, लेंस। ये जो कलर्ड पोर्शन है आई का, जो इस तरह हमें नजर आता है, ये क्या है, आयरिस। और ये जो आयरिस के बीच में विंडो सी है, गैप इधर, और इधर देखेंगे ब्लैक वाला पोर्शन, ये है प्यूपिल। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर आगे की तरफ है, इधर इसके ऊपर मौजूद होती है, ये है कॉर्निया, ठीक है। इधर आप लिखेंगे कॉर्निया। लेबल करने के बाद आपने इसको, इन क्वेश्चन को आंसर करना है, बेशक बुक के ऊपर ही कर लें ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है जी। इसी डायग्राम को यहाँ लेबल कर लें और इन पार्ट्स के आंसर यहीं पर सामने दे दें। Which part changes its shape for to focus properly? कौन सी चीज़ अपनी shape change करती है ताकि focusing सही हो सके, lens, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे lens। Which part changes its size to control the amount of light entering the eye? Pupil, pupil जो है इसका size change होता है ताकि light कम या ज़्यादा के लिहाज से adjust हो सके। Where is the image formed? Image form होता है retina पे। Which part changes its shape to फोकस द इमेज, ये भी लेंस है, ठीक है जी।